अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अंबर सफर और आप लोग देख रहे हैं 99 स्पेशल ओनली ऑन 99 न्यूज चैनल। मैं आज यूनिवर्सिटी ऑफ कराची में मौजूद हूं। हमारा आज का जो स्पेशल सेगमेंट है वो है माहौल के हवाले से, क्योंकि कराची शहर जो कि रोशनी का शहर कहलाता है लेकिन जो है अब वो आलूदगी का शहर कहलाने लगा है। क्या वजूहात है? यहाँ पर आए हुए इन्वायरमेंटल स्टडीज़ के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे हम बात करेंगे कि वो कराची शहर और अपने पाकिस्तान के मुस्तकबिल के लिए माहौल को लेकर क्या उनकी सोच है और वो किस तरह से इसमें अपना किरदार अदा करेंगे। तो आइए मेरे साथ। आज जो है यहाँ के होनहार इन्वायरमेंटल स्टडीज के स्टूडेंट्स मौजूद है, आइए कुछ सवालात उनकी तरफ लेकर जाते हैं और देखते हैं कि कौन कितना बेहतर जवाब दे सकता है। देखिए, अगर हम फिजाई आलूदगी की बात करें तो एयर क्वालिटी इंडेक्स में कराची और लाहौर जो है वो आगे पीछे हैं, पहले और दूसरे नंबर पर हैं। तो अगर मैं बात करूँ कि जो मेन प्रॉब्लम है, जो मेजर प्रॉब्लम्स हैं वो हैं, पहली चीज कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज और ट्रैफिक पॉल्यूशन। ये दो मेजर प्रॉब्लम्स हैं जिनको अगर हम इनको रिड्यूस करने की, अगर इन पर काम करने की कोशिश करें तो हमारी फिजाई आलूदगी जो है अल्टीमेटली कम हो जाए। हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग ब्रिजेस बना रहे हैं, रोड्स बना रहे हैं, रोड कंस्ट्रक्शन वगैरह हमारी सारी चल रही है। हम लोग इसका अल्टरनेटिव वे नहीं निकाल रहे हैं। हमें इसका वे क्या निकालना है कि अगर हम पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन को अपने बेटर कर दें तो जो हमारे जो लोग हैं वो अपने इंडिविजुअल कन्वेंस के बजाय पब्लिक ट्रांसपोर्ट पर डिपेंड करें और डिपेंड करने के बजाय जो आपकी जो एक एयर पॉल्यूशन है वो कम हो। मैं प्रोफेसर डॉक्टर उम्मेहानी, इंस्टीट्यूट ऑफ एनवायरमेंटल स्टडी, कराची यूनिवर्सिटी। एयर पॉल्यूशन, सांस लेना जिंदगी की एक बहुत बड़ी हकीकत है जिसके बगैर आप जिंदा रह नहीं सकते। इन्वायरमेंट में अल्लाह ताला ने इसके लिए हमारे लिए ऑक्सीजन गैस फॉर्म में रखी है। अब एयर पोल्यूशन ऐसी है कि ये मसला इतना शदीद है कि इसमें आप कोई बैरियर लगा नहीं सकते कि एक जगह से दूसरी जगह ये पोल्यूशन ना जाए। हमारे यहाँ सबसे ज्यादा मसला गैसेस के अलावा, गैसेस में टॉक्सिक गैसेस हैं जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, मीथेन है, ओजोन है, सल्फर डाइऑक्साइड है, नाइट्रिक ऑक्साइड है, ये अमोनिया है, ये एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी की वजह से एटमोसफेयर में जमा होती जा रही है। अच्छा, ये गैसेस जो है क्या कहते हैं, इंसानी जानदार, हर जानदार, ना सिर्फ इंसान बल्कि जानवरों के लिए भी इतने खतरनाक है, इंसानी सेहत के लिए खतरनाक है। तो इसका मतलब यह है कि जो हमारे एनवायरनमेंट में कराची से बिलखसूस जो सस्पेंडेड पार्टिकल का प्रॉब्लम है, PM10, PM2.5, PM5, पार्टिकुलेट मैटर्स इतना ज्यादा है क्योंकि डस्ट एमिशन हमारे यहाँ ज्यादा है। कंस्ट्रक्शन साइट इंफ्रास्ट्रक्चर बना हुआ नहीं है, कंस्ट्रक्शन साइट इस कदर हमारे बगैर सोचे समझे बने हुए। बाहर अगर आप देखें तो कंस्ट्रक्शन ऑफ जैसे कराची यूनिवर्सिटी की सड़क जो तैयार हो रही है या सड़कें जो टूटी फूटी हैं, इनकी वजह से सारे जो पार्टिकल खुसूसन डस्ट पार्टिकल्स हैं ये हवा में हर वक्त मौजूद है। फिर रोड आइलैंड्स जो है, रोड आइलैंड्स में इतनी प्लांटेशन के बावजूद भी अब इस कंस्ट्रक्शन की वजह से तकरीबन तमाम दरख्त निकाल दिए गए। दरख्त निकाल तो गए लेकिन जो बीच के आइलैंड है वो भी सिर्फ मिट्टी से भरे हुए। अब जब हवा आती है तो ये सारी हवा जो है मिट्टी को डिस्पर्स करती है, वो ऊपर तक जाती है। फिर हमारे यहाँ ट्रैफिक का मसला, ट्रैफिक का मसले में क्या होता है कि इतना बड़ा हमारा मेगा सिटी है कराची का जिसमें हमारे यहाँ रिक्शा और चिंगी चलते हैं। कहीं पूरी दुनिया में ऐसा नहीं होता कि रिक्शा शहरों में जो है ना रिक्शा और चिंगी चलते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक अनकंट्रोल है, बेहंगम ट्रैफिक का और जगह जगह पे ट्रैफिक जैम है जिसकी वजह से व्हीकल ट्रांसमिशन बहुत ज्यादा है। फिर दूसरा मसला क्या है कि हमारे यहाँ Euro 2 की गाड़ियों का या पेट्रोलियम का है, Euro 3, Euro 4 की वो गाड़ियाँ जो जापानी है, बाकी ये गाड़ियाँ भी एमिशन्स के लिए जो उनका व्हीकुलर एमिशन्स है ये बहुत ज्यादा है, रिक्शा का अपना ज्यादा है। गैस के अलावा भी वी हैव टू रिप्लेस इट, हमें रिप्लेस करना है, इलेक्ट्रिक साइड पे जाना है, सोलर एनर्जी पे जिसका कोई वेस्ट नहीं है, विंड एनर्जी पे हमें जाना है। बात में मुझे ये बताया, आजकल हम लोग देख रहे होते हैं सीवरेज का निज़ाम बिल्कुल ही धर्म भरम हुआ हुआ है, कचरे के ढेर जगह जगह लगे हुए हैं, कौन है, आप क्या समझती है कौन जिम्मेदार है इन सबका और कैसे हम इस सारी चीज़ पे रोकथाम कर सकते हैं? देखिए, इसको कोई एक बंदा नहीं संभाल सकता, हम सबको ही पब्लिक अवेयरनेस इसीलिए बनाई गई है कि जो काम गवर्नमेंट अगर कर भी रही है तो पब्लिक को भी उसमें पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर वो देख रही है कि कोई काम गलत हो रहा है तो उसमें पार्टिसिपेशन दें, एटलीस्ट अपनी आवाज़ उठाएं।
उसके बाद सेवरेज का मेन प्रॉब्लम ये है कि कोई भी यहाँ पे कोई भी रोड कंस्ट्रक्शन कोई नहीं हो रही होती है, तो उससे पहले रोड बन जाते हैं, लेकिन वो जो नीचे लाइंस आपकी डैमेज हुई हुई होती है उस पर इतना काम नहीं हो रहा होता, क्योंकि मोस्टली 40% जो वेस्ट होता है वही रिसाइकलेबल होता है, बाकी जो 60% वेस्ट होता है वो नॉन रिसाइकलेबल होता है। अगर 40% वेस्ट और 60% दोनों तक कंबाइंड हो जाते हैं तो इस वजह से ही इतना ज़्यादा सॉलिड वेस्ट हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे कोई प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है, प्रॉपर उसकी डंपिंग कलेक्शन के बाद उसकी उसको डंपिंग साइट तक प्रॉपरली नहीं लेके जाया जाता, बीच बीच में उसकी सेग्री उसको कलेक्ट कर लिया जाता है, जो भी उसके अंदर से वेलेबल मटीरियल होता है वो आउट हो जाता है, तो इस वजह से सॉलिड वेस्ट के प्रॉब्लम तो ये हैं। जहाँ तक है सॉलिड तक सीवरेज की बात आती है, वहाँ पे ये सबसे क्रॉस कंटेमिनेशन, यहाँ पे जगह जगह लाइनें टूट रही हैं और बहुत सारी और भी वजूहत हैं, रोड्स वगैरह जो भी कंस्ट्रक्शन होती है वहाँ पर लाइन तोड़ी जाती हैं और फिर ऊपर से काम हो जाता है, बार बार किया जाता है, तो मेंटेनेंस नहीं होती है यहाँ लाइन की, और ऑब्वियसली जो भी जिम्मेदार है वो गवर्नमेंट ही है, ऑब्वियसली पीपल भी हैं और लोगों को यहाँ पे अवेयरनेस भी नहीं है कि किस तरह चीज़ों को लिया जाए, यहाँ पे लोग हर चीज़ का जिम्मेदार गवर्नमेंट को ठहरा देते हैं, कुछ इंसान की मतलब हम एज अ पब्लिक हमारी भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो हम इन चीज़ों को लेके सही चलें। इस वक्त हमारे साथ मैडम सफिया हैं। मैम, हम जानना चाहेंगे कराची के माहौल के हवाले से आपकी क्या राय, आप क्या समझती हैं जिस तरह से हमारे कराची को, हमारे रोशनी को, शहर को जो है आलूदा कर दिया गया है। देखिए, इसमें खाली हम एक को तो कसूरवार नहीं कहेंगे, हमारे पास जो है अगर हम हुकूमत को हर बात का जिम्मेदार ठहराते हैं, लेकिन हुकूमत के साथ साथ आवाम जो है वो सबसे बड़ी, हमें सेंस ही नहीं है कि सेहत कितना बड़ा इशू है। हम बात तो कर लेते हैं कि यूं होना चाहिए, खूबसूरती नजर आनी चाहिए, लेकिन जो सबसे बड़ा इशू है जो कि हमारी इकोनॉमी की डेवलपमेंट में रोल है, हमारी प्रोडक्टिविटी, हम प्रोडक्टिव कब होंगे जब हम सेहतमंद होंगे, लेकिन हम जहरीली चीज़ खाने को भी तैयार हैं, जहरीली सांस लेने को भी तैयार हैं, उसको क्योर करने को तैयार नहीं है। आप लोग सेवरेज की बात कर रहे हैं, दोनों के अंदर पॉइंट लाऊं, सेवरेज में अगर आप देखें कि पहले क्या हो रहा था, हमने रियल इस्टेट को बहुत तेजी से डेवलप किया ये सोचे समझे बगैर कि क्या हो, पहला वो घर जिसके अंदर 5 लोग रहते थे सेवरेज उनकी सहूलत के लिए थी, उस एक घर जिसमें 200 गज का मकान है उसपे 5 के बजाय आज 100 लोग रह रहे हैं, सेवरेज की वही लाइन है, पानी का वही है, रोड वही है, तो आप मुझे बताएं पॉल्यूशन क्रिएट होगी, नॉइज पॉल्यूशन भी हो रही है, एयर पॉल्यूशन भी हो रही है, सेवरेज फिर वही चीज आ रही है, सेवरेज के लिए आपने जगह ये रखी है, 100 लोग पानी फेंक रहे हैं, अब वो सेवरेज का निजाम है उसमें सारी तरह का पानी शामिल है, वाटर लाइन ये जा रही है उसके फौरन नीचे सेवरेज की जा रही है, होनी क्या चाहिए सेवरेज बिल्कुल वाटर लाइन और सेवरेज की लाइन उसमें कई सर्क काफी ज्यादा फिट का डिफरेंस होना चाहिए, हम उसको मेंटेन नहीं कर रहे, मर्जर हो रहा है, रेन वाटर उसके अंदर इन्वॉल्व हो रहा है और आपके यहाँ मुसलसल जो है वो पोल्यूशन क्रिएट हो रही है, पानी की वाटर पोल्यूशन जो हम पी भी रहे हैं, आप देखें उमन बारिश होती है टैंक में गंदा पानी आ गया, क्यों आ गया कि हमने सिस्टम दुरुस्त नहीं करते, हम घर तो बना देते हैं लेकिन रिहाइश के लिए जो बेसिक नेसेसिटीज है वो भी उन्हीं हिसाब से हमें चाहिए ना। फिर इस वक्त हम लोग डॉक्टर आबिर के साथ उनको ज्वाइन करेंगे जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। सर, आप क्या समझते हैं, एक अवेयरनेस मैसेज भी मैं आपसे चाहूंगी एनवायरनमेंट के हवाले से। देखिए, ये एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो हैं खासतौर पे कराची के हवाले से, ये पिछले 25 सालों में जो हैं ये बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर इस पर गुफ्तगू की जाती है, लेकिन सिर्फ हम गुफ्तगू की हद तक मौजूद हैं, चाहे वो कराची का सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का मसला हो, एयर पॉल्यूशन का मसला हो, नॉइस पॉल्यूशन हो, या फिर वाटर पॉल्यूशन हो। इसी तरीके से दूसरी तरफ अगर आप देखें तो कराची का जो जितना भी सेवरेज का गंदा पानी है बगैर ट्रीटमेंट के मलीर और लियारी नदी के जरिए समुंदर में हम बहाते हैं, जिसकी वजह से मैरीन पॉल्यूशन होता है, और इसके रास्ते में जितने भी पैचेस आते हैं वहाँ पे गटर के पानी से सब्जियां ग्रो की जाती हैं, जो कि एक और एक नया एक इशू है। बगैर किसी हेल्थ सेफ्टी और एनवायरनमेंट के हम चीजों को स्टार्ट कर देते हैं, चाहे वो इंडिविजुअल लेवल पे कोई प्रोजेक्ट हो या कोई लार्ज स्केल पर कोई प्रोजेक्ट हो, तो मैं ये समझता हूँ कि ये गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, बल्कि ये एक आम आदमी की, एक आम शहरी की जिम्मेदारी है कि वो माहौलियाती आगाही से अपने आप को जो है वो फैजियाब करे। तो अब हमें ये तय करना होगा कि हम अपनी फ्यूचर की जनरेशन को कैसा एनवायरनमेंट देना चाह रहे हैं, हम इस पाकिस्तान को
क्या ग्रीन पाकिस्तान बनाना चाह रहे हैं, जिस तरह पाकिस्तान के झंडे में एक मेजर पोर्शन ग्रीन है। तो मैं ये समझता हूँ हमें क्लीन और ग्रीन पाकिस्तान की तरफ जाना चाहिए और उसके लिए हमें एनवायरमेंट फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना और सबसे बढ़कर ये है कि लोगों में अवेयरनेस जगानी है। पौधे अल्लाह ताला ने खुसूसियत दी है कि ये कार्बन डाइऑक्साइड को इनहेल करते हैं और ऑक्सीजन एक्सहेल करते हैं, जिसकी वजह से दोनों ही फायदे हैं। फिर दूसरी बात ये है कि ये पौधों की वजह से जो सॉलिड वेस्ट है जो ट्रैवल कर रहा होता है इधर से उधर हवा के, तो इनके लिए भी हिंड्रेंसेस बनते हैं। ये पौधों को काटना तो जानते हैं लेकिन नए पौधे उनकी जगह रिप्लेस करना नहीं जानते। एक जो वाटर स्कार्सिटी का इशू है और उसका आसान सा हल जो है वो हमने ये तलाश कर लिया कि हमने ग्राउंड वाटर को यूज करना शुरू कर दिया बगैर किसी इन्वेस्टिगेशन के। हम बोरिंग करवाते हैं, लाखों रुपए खर्च करते हैं और ये जाने बगैर हम उस पानी को इस्तेमाल करते हैं कि उसमें कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स मौजूद हैं। तो मैं यहाँ ये कहूंगा कि ये एक अवेयरनेस होनी चाहिए और हमें ये समझना चाहिए कि क्लाइमेट चेंज की वजह से बारिशों का पैटर्न डिस्टर्ब हो चुका है और डिफरेंट इलाकों में जो बगैर किसी रजिस्ट्रेशन के आरओ प्लांट्स काम कर रहे हैं, इसकी वजह से ग्राउंड वाटर का जो लेवल है वो बहुत तेजी से डिक्लाइन हो चुका है। जो पानी आपको 100 फीट पे मिलता था अब वो पानी 200 फीट पे मिल रहा है और लिहाजा मेरी ये कोशिश है एक आम आदमी से कि बोरिंग करवाने से पहले उस इलाके का ग्राउंड वाटर का सैंपल किसी वाटर टेस्टिंग लेबोरेटरी से आप टेस्ट करवाएं और फिर फैसला करें कि क्या वो पानी पीने के काबिल है, क्या आपको उस पानी को इस्तेमाल करना चाहिए और वाटर कंजर्वेशन के ऊपर जो है मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटजीज बनाने की जरूरत है। नाज़रीन, ये आज का हमारा जो स्पेशल सेगमेंट था वो ओवरऑल सेहत पर था, ओवरऑल माहौल पर था कि किस तरह से हम जो है अपनी सेहत को बेहतर रख सकते हैं। लेकिन सेहत को बेहतर रखने के लिए हमें सबसे पहले ज़रूरत है कि हम अपने इर्द गिर्द के माहौल को बेहतर रखें, अपने शहर को साफ़ सुथरा रखें। जाहिर सी बात है जब शहर साफ रहेगा तो आप भी साफ रहेंगे, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी। मजीद अगले स्पेशल सेगमेंट के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।